दोस्तों ओला S1 Pro Gen 2 ये मॉडल जो कंपनी ने पहले के S1 Pro से अपग्रेड बोला था, लेकिन अपग्रेड नहीं है, लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। Gen 2 का सच जो है गाइज धीरे धीरे सामने आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर एंड थंबनेल में देखा ही होगा। पहले एक प्रॉब्लम आया था, अभी नेक्स्ट दूसरा भी प्रॉब्लम आया है, एंड प्रॉब्लम जो है वही है, सेम है, सस्पेंशन टूट के बूट स्पेस में आ चुका है। तो कम्प्लीटली आप बोल सकते हो कि लो क्वालिटी मटेरियल इन्होंने यूज किया है। एक ओला ऐसी कंपनी जो कि दिन के 700 से लेकर 800 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है, महीने के 22,000 के आसपास सेल करता है, इतनी बड़ी कंपनी होकर भी ये कैसा कर सकती है। अगर एक कस्टमर 1.5 लाख अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। पहले तो जो है ओला की सर्विस तो काफी खराब है, एंड जो नया प्रॉब्लम सामने आया है, उस कस्टमर ने गाइस सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर ही टोटल इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाया है, एंड जिस दिन उनको मिला था उसी दिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ चुका है। एंड पहले भी आपने एक वीडियो देखा था जो कि एक रोड पर हुआ था, एंड वहां पर साफ साफ दिख रहा था कि बोर्ड स्पेस में सस्पेंशन आ चुका है, एंड नेक्स्ट इनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी खराब है। सो ये यहाँ पर जो ओला ने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आपने ओला S1 Pro की Gen 2 बुक की है या लेने की सोच रहे हो, तो आपको रुकना चाहिए गाइस। R&D की टीम की तरफ से अभी तक इनकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला है। मेरे हिसाब से इन्होंने जो है वेट कम किया है। पहले की ओला S1 Pro एंड नई ओला S1 Pro सस्पेंशन जो है उसका साइज अलग किया है, या इन्होंने फिक्स जहां पर किया था वहां पर प्लास्टिक है, तो इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस यही मैं कहूंगा कि अगर आप ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो, तो आपको कभी भी सबसे पहले नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, कस्टमर का सभी फीडबैक आना चाहिए, एंड उसके बाद ओला की आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। नई स्कूटर या नया प्रोडक्ट कुछ भी आता है तो आप सबसे पहले उसको ना ले, वही आपके लिए बेस्ट होगा। अभी देखते हैं ओला की तरफ से क्या रिप्लाई मिलता है, इम्प्रूवमेंट करके सेकेंड बैच में ये कुछ ना कुछ कर सकती है। तब तक के लिए और भी यहाँ पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं।